हैं और चढ़वाने वाली हूँ चूड़िया, जो कि काफी टाइम हो गया मैं चूड़िया नहीं चढ़वाई, तो अब मैं चूड़िया चढ़वाऊंगी क्योंकि हमारी आने वाली है ईद। हेलो गाइस, दिस इज मी निशा हियर, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और गर्मी के खूब मजे ले रहे होंगे। अगर आप गर्मी के मजे नहीं ले रहे तो गर्मी आपके वजह जरूर ले रही होगी, स्वेटिंग की सूरत में, पसीने की सूरत में। और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाल लिया है, तो यू शुड फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो वो तो आप लाजमी कर ही दें, तो अच्छी बात है। एंड मेरी वीडियो जो है वो इसलिए है कि मैं आज चढ़वाने वाली हूँ चूड़ियाँ, जो कि काफ़ी टाइम हो गया मैं चूड़ियाँ नहीं चढ़वाई, तो अब मैं चूड़ियाँ चढ़वाऊँगी क्योंकि हमारी आने वाली है ईद। एंड गाइस, मुझे एक बात बताइएगा कि चूड़ियाँ पहनते हैं या चूड़ियाँ चढ़वाते हैं। आई मीन टू से कि नॉर्मली तो मैं यही सुनती हूँ कि चूड़ियाँ चढ़वा लें या चूड़ियाँ चढ़वा लो, तो अब आपने मुझे कमेंट में कन्फर्म बताना है कि चूड़ियाँ चढ़वानी हैं या चूड़ियाँ पहननी हैं। सो लाजमी कमेंट करके बताएं ताकि मेरी ये जो कन्फ्यूजन है ना थोड़ी दूर हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी के इंसिस्ट करने पे चूड़ियां चढ़ाई, अदरवाइज मैं चूड़ियां नहीं पहनती। सिर्फ एक दर्जन सोनी लग रही है ना, सब मैचिंग चूड़ियां वगैरह का काम कर रहे हो? इन्हें छोटे सोदों का गाइस, मैं लगी हूँ चूड़ियाँ चढ़वा हूँ अम्मा जी से। चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ नॉर्मली, पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला और मैं उनको मना नहीं कर सकती, तो फिर मैंने चूड़ियाँ चढ़वाई नहीं फाइनली। अब आप मुझे बताएंगे कि ये चूड़ियाँ कैसी लग रही है। मुझे तो इन चूड़ियों का पता नहीं, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, बट मुझे उन अम्मा जी से एक जो रैंडम छोटी सी प्यारी सी मुलाकात थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनसे बातें करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी लाइफ स्टोरी भी मैंने थोड़ी सी सुनी और आई विश कि मैं उनके साथ टाइम थोड़ा और स्पेंड करती, बट वो आई बहुत दूर से थी झावरिया से, तो फिर उनको जाना था, दैट्स वाई कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकी। बट मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, दुआएं हैं। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि मतलब जो इस तरह के होते हैं ना छोटे सेलर्स जो होते हैं, जो छोटी चीज़ें बेचने वाले होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिरर वाली शॉप्स, आप उनको प्रेफर करने के बजाय इनसे चीज़ें खरीदा करें। तो इसलिए क्योंकि इन लोगों का कोई मकसद वो नहीं होता कि अपने बिजनेस को इन्हेंस करना, अपनी अर्निंग सोर्स को बढ़ाना, इनका सिर्फ एक छोटा सा मकसद होता है अपने पेट को पालना और अपने जो साथ जुड़े हुए इनके रिश्ते होते हैं उनके लिए मेहनत करना और कमाना, बस इनका ये पर्पज़ होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप इनसे चीज़ें खरीदा करें, उनसे भी खरीदा करें, ये नहीं कह रही कि उनसे ना खरीदा करें, पर इनसे ज़रूर खरीदा करें। तो ओके गाइस, होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड एक और चीज़, इन केस जो मैंने बातें इस वीडियो में की हैं आप उन बातों से अग्री करते हैं, तो यू शुड कमेंट और मुझे बताइएगा कि मैंने बात सही की है या नहीं सही की। आई थॉट कि मैंने सही बात की है, अब आप मुझे बताएंगे कि ये बात कितनी सही है। एंड मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। और हाँ, वंस अगेन आई एम हेयर, मुझे एक बात करना भूल गई थी जो कि मैंने करनी है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली और अभी तक
वीडियो के एंड तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब करें, इतनी देर नहीं लगेगी, विद इन सेकेंड आप यू क्लिक करेंगे और न्यू सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को मत दबाना भूलेगा ताकि मेरी वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। सो अब मुझे जो है फाइनली वाली इजाज़त दीजिए, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए। खुदा हाफिज़।